बक्सर जिले के डुमराव प्रखंड अंतर्गत छतनवार गांव स्थित श्राद्ध समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन धूमधाम से किया गया, जिसका उद्घाटन तीनों पुत्रों ने सामूहिक रूप से फीता काटकर किया। कहा जाता है, बेटा बेटी माँ का कर्ज नहीं चुका सकता। माँ के शीतल आंचल की छांव में जो सुखद अनुभूति की प्राप्ति होती है वो जीवन भर याद रहती है। हम जो भी दिख रहे हैं उसमें माता पिता का पूर्ण प्रताप और आशीर्वाद ही जीवन के हर मोड़ पर साथ देता है। अपने हर संप्रदायों से भरा पूरा बगिया को सजाकर स्वर्ण लोक में चली गई 90 वर्षीय अमृता सनी कुंवर अपने पीछे तीन पुत्र रत्नों में बड़े सर्विसमैन रामजी सिंह, शिव कुमार सिंह, सुरेश सिंह जैसे होनहार धरोहर को छोड़कर प्यारे लाल माँ के दूध का कर्ज चुकाने के लिए श्राद्ध समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर खुशी का इजहार किया, जिसमें बच्चे बूढ़े सभी एक साथ झूमते नजर आए। इसके पहले माँ के तेल चित्र पर माला अर्पण कर पुष्प अर्पित की गई। बक्सर से संवाददाता रामराज सिंह की रिपोर्ट। माँ के गुजरने के बाद पूरी जिम्मेवारी आपके कंधे पर है, और ऐसी माँ का कर्ज चुकाने के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई यहाँ पर? देखिए, माँ का कर्ज तो अभी कोई चुकाया न चुका पाएगा। माँ जितना करती है कोई नहीं करता है, और माँ जितनी प्यारी होती है सबकी प्यारी होती है, चाहे जानवर हो या पक्षी हो या कोई भी जीव जंतु हो, सबके लिए प्यारी होती है। माँ माँ ही होती है, माँ का दूध का कर्ज कोई नहीं चुका सकता है। इस श्राद्ध समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, इससे किस तरह की सुकून और शांति मिलती है? सुकून शांति नहीं है, अपने दिल को बहलाने के लिए है, थोड़ा अपना दिल को शांति लेने के लिए इसलिए कर दिया गया है, ताकि मतलब थोड़ा सा शांति मिलेगी, और कोई खास बात नहीं है। अपना नाम बताएंगे? मैं रामजी सिंह। गाँव? ग्राम छतनवार, जिला बक्सर, बिहार। टीवी चैनल से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू, वेलकम। किया गया, बहुत दूर से हमारे मेहमान जो भी हैं, सहपाठी दोस्त मुहिम या जो भी हमारे महिला सदस्य हैं, माता पिता या भाई बहन, सभी लोग आए, इकट्ठित हुए और इस समारोह का बहुत अच्छा से अभिनंदन या हार्दिक स्वागत किया गया। अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम जयशंकर सिंह है, मैं SI अभी जमुई में पोस्टेड हूँ, और मेरा घर रामपुर पड़ता है, नवानगर थाना, बक्सर का निवासी हूँ, और मैं यहीं से अपना कर्तव्य का, इस घर का मेरा शादी हुआ था सर्वप्रथम, और इस घर के बड़े दामाद हैं, और ये माँ की कामना से ये तीनों भाई, और मैं हार्दिक इन लोगों का बधाई देता हूँ, पूरे परिवार को सुखी संपन्न किस तरह से आप बधाई देंगे? हाँ, बधाई देंगे कि ये लोग अच्छा से आपस में मिलजुल कर रहें, और परिवार को, समाज को, गांव घर को, या जो भी अतिथि हैं उनका सेवा सत्कार बढ़िया से करें, और हमेशा के लिए अपना पूर्वजों का नाम याद रखें, और ये माँ को मैं अपने वचन से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी आत्मा को शांति मिले और सुखी चैन से रहे, कहीं भी रहे स्वर्ग का इनका वास हो, और ये भगवान जैसे कोई देवता मुनि ऋषि में जन्म लें, मैं ही इनका अपना कामना करता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया।